की बार तो सावन भी है और अधिक मास भी है। प्रत्येक वर्ष का नियम है, शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजयंती माला में जो मनके होते हैं वो अपने आप हटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। कितने माले माले दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे अधिक मास की कथा में लिखे 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 माल पुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो और मालपुए क्यों, रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33। 31 नहीं, अभी तक आपने जितने विधान करे 31 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए ही इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं, जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तक 30, 31वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया, सूतक सावड़ जानते हो ना, मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ खा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़, हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारा पूर्वज सुधर जाता है। 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजयंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं होता, वैजयंती का दान इतना प्रबल है। वैजयंती माला 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजयंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और वैजयंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजयंती माला के कभी नहीं रखना, क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजयंती माला में जो मनके होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं। गुरु जी के ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।